हरे कृष्णा राधे राधे। आज जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ये लखनऊ की रहने वाली पूनम जी की कहानी है। पूनम जी घर पे अपने दो बच्चे पति और सास के साथ रहती है। पूनम जी के दोनों बेटे क्लास 9 में एक पढ़ते हैं और क्लास 12 में एक पढ़ते हैं। दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई लेके व्यस्त रहते हैं। पूनम जी के पास एक छोटा सा लड्डू गोपाल जी है जिनकी पूरी निष्ठा के साथ वो सेवा करती है। काफ़ी साल पुरानी पूनम जी के ये लड्डू गोपाल जी उनकी ससुर हरिद्वार से लेके आए थे। उनकी ससुर मौसाई ये हरिद्वार से जब लेके आए थे तब इनकी सास इनकी सेवा करती थी। अब सास की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 80 साल के ऊपर हो गई है, इसीलिए अभी वो उतना सेवा नहीं कर पाती है। इसीलिए अभी लड्डू गोपाल जी की संपूर्ण सेवा का काम पूनम जी के ऊपर है। पूनम जी भी बड़ी निष्ठा के साथ गोपाल जी की सेवा करते हैं। घर का सबसे पुराना बहुत पुराना सदस्य है जो कि छोटे लल्ला की तरह सेवा में रहती है। पूनम जी उनको खाना खिलाना, समय पे सुलाना, भोग लगाना, झूला झुलाना इत्यादि सभी काम समय के अनुसार करते हैं। सुबह बच्चों का टिफ़िन, घर का सारा काम करने के बाद भी पूनम जी कभी जो है गोपाल जी का कोई भी काम बाकी नहीं छोड़ती है, ना ही कभी भूल जाती है। इसी तरह से बहुत ही आम जिंदगी की तरह सबकी तरह उनकी भी ज़िंदगी बीत रही थी। एक दिन एक शादी की निमंत्रण आते हैं। सास की उम्र ज़्यादा होने के कारण वो बाहर नहीं जाती है, कोई भी शादी ब्याह इस तरह का काम में वो आजकल नहीं जा पाती है, मन भी नहीं करता है। तो यथारीति सास घर में रही, पूनम जी ने उनके लिए खाना पीना बना दिया और उनके सामने खाना भी रख दिए, समय होने पे खाना खा लेना करके। शाम को जाना है, दो चार घंटे में ही वापस आ जाना है, तो चिंता की ज़्यादा बात तो थी नहीं। गोपाल जी के सामने भी शाम को 7 बजे ही भोग लगा दिया, सोचा वापस आके सुला दूँगी। अब दो बच्चे और पति के साथ पूनम जी शादी में चले गए, पर कुछ बात ऐसी हो जाती है जो हमारे हाथ में नहीं रहती है। ऐसे ही हुआ पूनम जी के साथ भी, और वो शादी में किसी वजह से फंस गई। समय बहुत ज़्यादा होने लगा पर वो समय पे घर नहीं आ पाए, उनकी पूरी परिवार वहीं पे रह गए और पूनम जी की मन ही मन चिंता सताने लगा। गोपाल जी को सुला के आना चाहिए था, भले ही एक दिन जल्दी सो जाते थे, कम से कम सो तो जाते थे, आज तो जगे रह गया, अब क्या होगा। सासू माँ तो इस बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं, वो मंदिर में आके देखेंगी भी नहीं, वो तो वैसे ही उम्र हो चुकी है, अपना भी खाना खा लिया तो बहुत है, तो अब क्या करूँ मैं। यही चिंता पूनम जी को सताती रहती थी। अब करे तो क्या करे, ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, बस इंतज़ार ही करनी थी कि कब घर पहुँचे। अब शादी ब्याह खाना पीना कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगने लगा, हमेशा मन में यही चिंता रहा कब गाड़ी मिल जाएगी और कब घर पहुँचे। घर पहुँचते पहुँचते उनको प्राय रात का 1 बज गया, जबकि उन्होंने सोचा था कि 10 बजे के अंदर अंदर घर आ जाएंगे। 1 बजे घर आके सबसे पहले हाथ पैर धो लिया, हाथ पैर मुँह धो के जल्दी से मंदिर में आए तो देखा गोपाल जी सो रहे हैं। ये कैसे हुआ, गोपाल जी अपने आप सो गए, ऐसा तो नहीं होता है, फिर गोपाल जी को कौन सुलाए। ज़रूर माँ जी ने सुला दिया होगा, सोच के उनको बहुत ही ये लगा कि माँ जी को मेरे वजह से उठना पड़ा। अब वो दौड़ के माँ जी के पास गए। माँ जी आपने गोपाल जी को सुला दिया। बोला तुम लोगों ने गोपाल को बिना सुला के चले गए थे, अब मैं सो रही थी, मुझे बार बार सपना आ रहा था अम्मा सुला दे अम्मा सुला दे। 2 बार मैं उठी, इधर उधर देखा, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कौन बोल रहा है कहाँ से बोल रहा है, बाद में समझ में आया तो मंदिर में आई तो देखा गोपाल बैठा है, कैसे कैसे तो मैंने इनको सुला दिया, अभी से कभी ऐसा नहीं करना, गोपाल जी बड़े प्यार से घर में रहते हैं, कहीं जाना हो आना हो या तो मुझे ही बोल के जाना या तो फिर सुला के जाना, गोपाल जी का खाना पीना सोना इसका ध्यान रखना। पूनम जी को भी लगा बड़ी गलती हो गई, ऐसे खाली छोटा बच्चा घर में रहते थे तो क्या वो ऐसे ही करती थी, अपने ऊपर बड़ी ही अपने ऊपर कोसने लगी कि मेरे से ये कितनी बड़ी गलती हो गई। माँ जी से क्षमा मांगा, गोपाल जी से भी क्षमा मांगे और बोला आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा गोपाल जी, आगे से हम आपके हर बात का ध्यान रखेंगे। पूनम जी के ये आप बीती सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा।
कभी कलयुग में भी लोग इस तरह का चीज़ें अनुभव करते हैं। माता जी के सामने पूनम जी के द्वारा माता जी को जो सपना, जो आवाज़ मिला, इससे माँ जी के भी जीवन धन्य हुआ है। आशा करती हूँ सभी लोगों के ऊपर गोपाल जी का कृपा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।